फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ आप लोग के लिए दोस्तों फिजिक्स का थर्ड नंबर चैप्टर दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट यानी कि दोस्तों यह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना क्योंकि इस वीडियो से हम लोग 60 इंपॉर्टेंट एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डी स्टूडेंट, क्योंकि पिछले बार से दोस्तों 2022 में ठीक है ना डी स्टूडेंट इस चैप्टर से 8 ऑब्जेक्टिव टोटल पूछे गए थे, जिसमें से दोस्तों मेरे में तो 7 दोस्तों आप लोग को 60 ऑब्जेक्टिव कराए थे, इसमें से 7 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने लगे ठीक है डी स्टूडेंट। यानी कि पिछले बार 8 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा गया जिसमें से 7 ऑब्जेक्टिव इसी में से कवर किए गए। तो इस दोस्तों पीडीएफ में कुछ नए क्वेश्चन को भी कवर किए गए जो डायरेक्ट आपको 2023-24 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो क्लास चलता है शाम को 7 बजे और 8 बजे चलता है। अगर पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो ये नंबर आप लोग को सो रहा है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हो पीडीएफ कोर्स के लिए। और सभी विद्यार्थियों को दोस्तों अनिवार्य सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ठीक है स्टूडेंट, सभी लोग ज्वाइन करना। लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, साथ में फ्री मटेरियल पीडीएफ पढ़ने के लिए गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और वहाँ से पीडीएफ पढ़ सकते हो। चलिए कहा जाए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि दोस्तों सबसे बेहतर चालक है निम्नलिखित में से विद्युत का वो कौन है। बेच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर आप लोग को बताना है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो कौन है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को याद रखना सिल्वर दोस्तों है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है यानी कि चांदी ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलिए ए नंबर इज करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। देखो ए मीटर का दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, देखो ए मीटर का दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। अगर ए मीटर पूछेगा डी स्टूडेंट तो कितना होता है बतलाइए, अगर आधा से ए मीटर पूछेगा तो सुन हो जाएंगे, अगर ए मीटर खाली पूछेगा तो बहुत कम होता है, बहुत लॉस होता है डी स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो वेरी लो यानी कि वेरी फ्यू हो जाएंगे डी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सबसे कम होता है दोस्तों ए मीटर का प्रतिरोध। अगर आधा से लग जाएगा तो सुन हो जाएंगे डी स्टूडेंट, याद रखना आधा से लगेगा तो सुन हो जाएंगे। अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो बहुत अधिक हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएंगे। अगर आधा से वोल्ट मीटर पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे ठीक है ना। चार नंबर यहाँ से क्लियर करेंगे ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन को क्लियर करते जाना। देखो ये मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक वोल्ट बराबर क्या होता है, तो दोस्तों सूत्र भी होता है बी बराबर डब्ल्यू वाई क्यू, तो यहाँ से दोस्तों वर का एस एम तक दोस्तों क्या होता है वर का वर्क यानी कि वर्ग जो होता है दोस्तों इसका एस एम तक जूल होता है, अब इसका एस एम तक कुलाम होता है यानी कि जूल प्रति कुलाम देखेंगे। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देंगे क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डी स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो समझिए आप लोग को 8 नंबर पक्का हो गया, बी नंबर इज करेक्ट आंसर यानी कि एक वोल्ट जो होगा एक जूल प्रति कुलाम के इक्वल होगा, तो बी नंबर इज सही उत्तर। चलिए देखो डी स्टूडेंट यहाँ से देखोगे तो कहा है विद्युत वाहक बल की इकाएं क्या था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि जो ईएमएफ होता है डी स्टूडेंट इसका जो मात्रक होता है ईएमएफ का वो क्या होता है डी स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए देखो ईएमएफ का जो मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट होता है, आप लोग को कायम बतला चुके हैं डी स्टूडेंट। इसके लिए जो सूत्र होता है बी बराबर डब्ल्यू वाई क्यू होता है, इसका भी दोस्तों जूल प्रति कूलम हो जाएंगे यानी कि विद्युत वाहक बल की जो इकाई हो जाएगी वोल्ट हो जाएगी, जो भी कैंडिडेट इसका सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यानी कि विद्युत वाहक बल की जो इकाई हो जाएगी वोल्ट हो जाएगी। देखो वोल्टामीटर द्वारा दोस्तों मापा जाता है डी स्टूडेंट, वोल्टामीटर द्वारा जो मापा जाता है वो किसका मापा जाता है, देखो ये दोस्तों डायरेक्ट आप लोग को 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना विभवांतर को मापा जाता है। जो वोल्टमीटर होता है डी स्टूडेंट इसको हम लोग किससे मापते हैं, वोल्टमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो विभवांतर को। जो भी कैंडिडेट इसका बी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए देखो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है दोस्तों वी स्क्वायर बटा आर होती है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो याद रखना वी स्क्वायर बटे आर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखोगे तो वी स्क्वायर बटे आर ऑप्शन नंबर सी में दिखा गया है।
ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्लियर कर लेना। जो आप लोग का विद्युत परिपथ की जो शक्ति हो जाएगी भी स्क्वायर बटा आर हो जाएगी, जो भी कैंडिडेट इसका सी नंबर लगाए तो बिल्कुल सही था। चलिए यहाँ पर देखोगे 7 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में जो आया हुआ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में आया क्वेश्चन है। कहा जाएगा प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि दोस्तों आचर रहती है, थोड़ी समान रहती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, समान मतलब पैरेलल रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, देखो समानांतर क्रम में दोस्तों बात करेगा तो विभवांतर को याद करना, श्रेणी क्रम में आप लोग को आवेश वगैरह बतला चुके होंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग जाकर के देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि दोस्तों समान रहती है, तो याद रखना विभवांतर हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाएं दोस्तों विभवांतर दोस्तों, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो यहाँ पर आप लोग याद रखना, चलो विभवांतर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया गया। चलिए चलो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर क्लास की दिखा दोस्तों सब मैनेज रहेगा। चलिए पीडीएफ कोर्स के लिए अपना नंबर आप लोग को 16 डी स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं डी स्टूडेंट। पीडीएफ कोर्स इसमें आप लोग का हर वो सुविधा जो विद्यार्थियों को 90% लाने के लिए उत्प्रेरित करता है, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि रिएक्टेंस दोस्तों मात्रक होता है। देखो रिएक्टेंस दोस्तों खुद प्रतिरोध का दोस्तों इंग्लिश रूप होता है, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, देखो रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है ओम होता है, किसी मूल नहीं होता है, फराडे की कल्पना नहीं कर संधारित्र नहीं है कि फराडे मार देंगे, धारा का एम्पीयर होता है, ये भी खत्म। तो याद रखना दोस्तों प्रतिरोध या रिएक्टेंस या प्रतिबाधा या तो दोस्तों प्रतिरोध सभी का मात्रक दोस्तों एक ही होता है, वो दोस्तों ओम होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत काल मचा देंगे आज के इस वीडियो से। 1 किलोवाट घंटा दोस्तों जो होता है किसका मात्रक होता है, देखो 1 किलोवाट जो घंटा होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, देखोगे एनर्जी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखना 10.6 × 10⁶ जूल होता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा दोस्तों, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कितना होता है 10.6 × 10⁶ जूल होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में कह सकते हो बार बार पूछा जा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन रेगुलर बैंक दोस्तों क्लियर रहेगा, वहीं विद्यार्थियों को जो रेगुलर क्लास करेंगे दोस्तों 7 और 8 क्लॉक में आकर के अध्ययन करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप लोग भी अगर नए क्लास करते हैं तो रेगुलर आइए इसी टाइम में दोस्तों 7 बजे और 8 बजे शाम को, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखोगे तो मानव शरीर का दोस्तों जो विद्युत प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध वो कितना होता है, देखो मानव शरीर का दोस्तों जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो कितना 1000 ओम होता है। चलिए कहीं बात बता चुके हैं, बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, 50,000 ओम होता है। बुक में देखोगे 10,000 ओम दिखेगा लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना जो मानव शरीर का दोस्तों प्रतिरोध होता है एक स्वास्थ्य मानव के लिए, हेल्दी मानव के लिए डी स्टूडेंट, याद रखना इसके लिए जो दोस्तों इसका प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलो देखो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन काफी एजे क्वेश्चन है, कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में दोस्तों बदल देता है क्या कहलाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है। चलिए बहुत अच्छा, प्रतिरोध कहलाएगा डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का अच्छा 10th में पढ़ चुके हैं ये परिभाषा, लेकिन 12th में कुछ अलग परिभाषा देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना दोस्तों किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलेगा इसको हम लोग दोस्तों प्रतिरोध कहेंगे, जो भी कैंडिडेट इसका लगा दिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो किरचॉफ का दोस्तों जो बिंदु नियम है, देखो किरचॉफ का दोस्तों जो बिंदु नियम है आवेश संरक्षण सिद्धांत से ताल्लुक रखता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो और दोस्तों जो आवेश संरक्षण सिद्धांत होगा बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, जो विद्यार्थी इसका, चलिए बहुत अच्छा बी नंबर लगाए बिल्कुल सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डियर स्टूडेंट ये तो आपका हो ही गया कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल प्रतिरोध कर रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग का, चलिए दोस्तों कहा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग से, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का दोस्तों कारण क्या है, किसी चालक में दोस्तों विद्युत धारा का दोस्तों जो प्रवाह का दोस्तों जो कारण है विद्युतीय विभव में अंतर होना चाहिए, जो विद्यार्थी इसका सी नंबर लगे बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जाए कि विद्युत हीटर जो होता है डी स्टूडेंट इसमें जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह दोस्तों आप लोग का पदार्थ वो नाइक्रोम है या प्लेटिनम है, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ठोकना। चलिए चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, देखो इसका विद्युत हीटर में दोस्तों जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। चलिए चलिए नाइक्रोम का प्रयोग करते हो तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर।
देखो धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका दोस्तों जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध होगा डियर स्टूडेंट वो भी दोस्तों इनक्रीज किया जाएगा। जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों रिएक्टेंस होता है वो भी इनक्रीज करता है। देखिए डियर स्टूडेंट एक फैराडे जो होता है दोस्तों 96,500 कूलम के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट, 96,500 कूलम में होता है। तो यहाँ पर एम्पियर में दिया गया तो ए नंबर तो कल्पना मत करना, कूलम में देखो दिया गया है तो 96,500 कूलम लगभग में होता है तो कोई में नहीं दिया गया तो बी नंबर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, देखो जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए दोस्तों 96,500 कूलम या तो सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए किसी चालक से प्रवाहित धारा के लिए दोस्तों जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका जो सूत्र होता है ए नहीं है भिड़े का दोस्तों सूत्र आता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि दोस्तों किसी चालक तार से जो प्रवाहित धारा का दोस्तों जो सूत्र आएगा ए नहीं है भिड़े का आएगा, यानी कि ए नंबर इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए देखो ये आप लोग का करके आपका प्रथम लॉ डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बांध विद्युत परिपथ के प्रत्येक, देखो यहाँ पर किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो यहाँ पर विद्युत जो बीजगणितीय योग होता है डियर स्टूडेंट वह शून्य होता है दोस्तों, ये आप लोग का करके आपका प्रथम लॉ में बतलाया गया। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये सब क्वेश्चन आप लोग क्लियर करते हुए रेगुलर क्लास करेंगे। देखो विद्युत विभव के दोस्तों जो बीमा होते हैं कई बार आप लोग को दोस्तों बतला चुके हैं, बी बराबर डब्ल्यू वाई क्यू पर यार निकाल लेना, तो मैं आप लोग को कई बार बतला चुका हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग यार बिल्कुल सीख जाओ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आप लोग को बिल्कुल भौकाल मचा दें डियर स्टूडेंट। एम एल स्क्वायर इसका क्या होता है एम एल एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एम एल स्क्वायर टी का पावर दोस्तों नीचे प्लस का था ऊपर गया माइनस थ्री और ये दोस्तों ए का पावर माइनस टू हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ पर ए इनवर्स होना चाहिए, देखो यहाँ से देखोगे तो ए, हाँ चलिए यहाँ पर आप लोग को ए नंबर होना चाहिए डियर स्टूडेंट। देखो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू ए इनवर्स, यानी कि इसका जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही डियर स्टूडेंट। देखो नए संबंध में एक बार और समझा देते हैं, देखो वी बराबर डब्ल्यू वाई क्यू का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखोगे आवेश का ऐसे दोस्तों बीमा होता है ए टी होता है, और यहाँ से आप लोग देखोगे तो एम एल स्क्वायर, देखो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू होता है तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर दिया गया, टी का पावर दोस्तों माइनस थ्री दिया गया क्योंकि ये प्लस का था ऊपर गया तो माइनस का तीन बन गया माइनस तीन, और दोस्तों ए प्लस का ऊपर जाएगा ए इनवर्स का रूप लेगा, तो विद्यार्थी ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट अपन से जो क्वेश्चन किया गया विशेष प्रतिरोध का दोस्तों जो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ये आप लोग को डायरेक्ट मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ओम मीटर देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पूछे डियर स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना इसका जो मात्रक होगा ओम मीटर होगा, जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल भौकाल मचा दिए। चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे, जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो लास्ट तक बने रहेंगे, हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए चलो आप लोग कमेंट करते जाना डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता के दोस्तों जो बीमा होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोधकता या दोस्तों प्रतिरोधकता का दोस्तों जो बीमा होता है वो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू और आई के पावर माइनस टू होता है डियर स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोधकता का दोस्तों बीमा, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों प्रतिरोधकता के लिए आर ए बटा एल होता है डियर स्टूडेंट, जहाँ पर आप लोग का प्रतिरोध आ रहा है और दोस्तों ए क्षेत्रफल ए आप लोग का क्षेत्रफल एल लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। कल ही के वीडियो के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग रेगुलर क्लास के लिए मैंने बताया था किसी चालक का प्रतिरोध आर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा उसके लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ये क्वेश्चन 2022 में छापा हुआ क्वेश्चन दो नंबर में है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए चलिए रेगुलर क्लास करेंगे डियर स्टूडेंट और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखोगे आप लोग दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो दोस्तों कौन है, कहा जाए कि द एलिमेंट यूजेड इन दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर इज, यानी कि दोस्तों जो विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, जो आप लोग जानते होंगे वो बतला सकते हैं। देखो चलिए बहुत अच्छा निक्रोम हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखोगे चलिए बहुत अच्छा,
देखो तांबा कॉपर कभी होने के प्लेटिनम की कल्पना नहीं धड़कना दोस्तों आप लोग निक्रोम का उपयोग करते हैं। किसका? निक्रोम का। जो विद्यार्थी लगा दिया डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही स्टूडेंट, लास्ट तक सभी विद्यार्थी बने रहेंगे और सारा क्वेश्चन को क्लियर करके जेब में रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सेंटअप एग्जाम और इंटरनेट के मॉडल पेपर में आएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा ओम मीटर होगा। दो बार दोस्तों क्वेश्चन है, किसको किसको याद हो गया था। चलिए इस प्रकार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दे देगा यार ओम मीटर, तो इसे भी हम लोग ओम मीटर ही कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में। देखो शोषित जो ऊर्जा होती है विभांतर के वर्ग के समानुपाती होते, विभांतर के समानुपाती होती है, विभांतर के वर्ग या विभांतर के समानुपाती देखोगे। हाँ चलिए सी नंबर इज करेक्ट आंसर डी स्टूडेंट, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना, काफ़ी ईजी है और एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विशिष्ट दोस्तों वेट स्टूडेंट दोस्तों ब्रिज होता है इसका उपयोग करते हैं। देखो चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट आप लोग को याद रखना है दोस्तों वेट स्टूडेंट का जो ब्रिज का दोस्तों हम लोग उपयोग करते हैं उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन में करते हैं डी स्टूडेंट। जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करते होंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। 5 सब्जेक्ट में बता चुके हैं, साथ में आप लोग को चैप्टर वाइज में बता चुके हैं, आप लोग को कुछ नहीं करना होता है, रेगुलर क्लास करना होता है डी स्टूडेंट। आप लोग इतने में एग्जाम में भौकाल मचा दोगे जितना आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में याद रहेगा, जितना आप लोग को ऑनलाइन में क्लियर हो जाएगा डी स्टूडेंट, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग विशेष ज्ञान देते हुए चलते हैं, इससे आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना डी स्टूडेंट। यानी कि बेट स्टूडेंट बेच का दोस्तों जो उपयोग करेंगे, इसका जो यूज करेंगे उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन के लिए जो भी विद्यार्थी इसका सी नंबर लगाए हैं बिल्कुल उनके लिए एक लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए चलिए डी स्टूडेंट यहाँ पर एक ओम, देखो एक ओम जो होता है डी स्टूडेंट वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करने हैं। एक ओम होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, सभी लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएंगे। देखो वोल्ट प्रति दोस्तों एम्पियर जो होता है, चलो देखो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है दोस्तों एक ओम बराबर, ध्यान से समझोगे भौकाल मचा दोगे। वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है दोस्तों एक ओम बराबर होता है, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी इसका लगा दिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल उनका सही उत्तर है। लेकिन मैं आपसे पूछूं दोस्तों क्या एक मेहो बराबर दोस्तों क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों तो पता दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो डियर स्टूडेंट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चलाकर तो कहते हैं जिसका मात्रक म्यो होता है। म्यो यानी कि बिल उल्टा यानी कि विपरीत, मतलब कि देखो यहाँ से ओम इस तरह पर जा रहे थे लेकिन विपरीत चलेंगे तो इस प्रकार से म्यो कहलाएगा, एम एच ओ, देखो यहाँ पर म्यो हुआ। अगर इसका दोस्तों पूछेगा बराबर तो याद रखना एम्पियर बटा वोल्ट होते हैं, एम्पियर बटा वोल्ट होता है क्या, तो एक म्यो बराबर। लेकिन अपन से जो क्वेश्चन किया गया एक ओम बराबर, तो वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इसका बी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किए बिल्कुल का सही उत्तर है। चलिए बिल्कुल भौकाल मचा देंगे, जो भी विद्यार्थी क्लास को छोड़कर जाने दीजिए, जाने वाला को कोई रोक नहीं सकता डी स्टूडेंट। आप लोग यार लास्ट तक बने रहो क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अभी मैंने बताया दोस्तों चलकत्व कहते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका मात्रक क्या होता है, तो चलकत्व का मात्रक म्यू होता है, म्यू म्यू म्यू, देखो ओम इनवर्स भी कह सकते हैं या म्यू भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो भौकाल मचा देंगे, एग्जाम में रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, देखो प्रतिरोधकता के तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चलकत्व कहेंगे तो ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग को दिया गया सी नंबर ऑप्शन में। चलो मेरे प्यारा लाल बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखोगे तो कहा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से कि एक में हो, देखो मेरे प्यारा लाल अभी ना आप लोग को हम बताए, देखो इसमें कंजूसियब नहीं करना है क्योंकि मैंने अभी बोला एक ओम जो होता है, हाँ चलिए वोल्ट प्रति एम्पियर होता है एक ओम बराबर। लेकिन म्यो दोस्तों पूछ जा उल्टा कर दो, एम्पियर बटा वोल्ट कर दो, ये दोस्तों चलकत्व का मात्रक होता है म्यो। लेकिन एक म्यो जो होगा एम्पियर बटा वोल्ट होगा, बिहार बोर्ड में यार कहाँ चले गए वो शिक्षक जो इस क्वेश्चन को यार रेडी करके इस बोर्ड एग्जाम 2023 में यार कंडक्ट करा दिए क्वेश्चन को, ठीक है ना डी स्टूडेंट। यानी कि आप लोगों को याद रखना एम्पियर बटा वोल्ट जो होता है डी स्टूडेंट किसका दोस्तों बराबर होता है एक म्यो के बराबर होता है। डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम कब टपक जाएगा कोई गारंटी नहीं डी स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग को सेंटअप एग्जाम में या तो इंटरनेट मॉडल पर या तो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 23 में, ठीक है ना। चलिए ठीक है डी स्टूडेंट आप लोगों से जो क्वेश्चन किया गया स्थिर विभांतर पर किसी विद्युत प्रतिरोध का
देखो जहाँ पे दोस्तों स्थिर विद्युत विभवांतर छोड़ विद्युत प्रतिरोध का दोस्तों आधा कर दिया जाए तो इसकी जो ऊष्मा दोस्तों होती है वो चार गुनी हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है ना। सहमत है कि असहमत आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन आप लोगों से दोस्तों चार गुनी नहीं होगा क्योंकि आधा करने की बात की है, ठीक है ना स्टूडेंट। जब भी आधा के बात करेगा तो दो गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर दोस्तों दो गुना कर जाएगा तो यहाँ पर आप लोग समझना, यहाँ पर आधा की बात आएगा, आधा में जब भी आता है तो दोस्तों दोगुना का बात आ जाता है। ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रेगुलर क्लास करने वाले विद्यार्थी इस क्वेश्चन को यार कवर कर लीजिए। चलिए देखो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने दोस्तों दो नंबर के लिए 2022 के लिए कवर किए, तैयार हुआ ऐसा 2022 में एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया। इसी संबंध को कौन सा धारा घनत्व संबंध के लिए सही है, तो अब हम लोग सोचने गए स्टूडेंट कि धारा घनत्व है क्या। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र, ठीक हो देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले जो धारा होती है, प्रति इकाई मतलब समझते हो स्टूडेंट। चलो पिछले वीडियो में बताए हैं प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र एक कारण उत्पन्न होने वाले दोस्तों जो इससे जो प्रभावित धारा होती है इसी के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं दोस्तों। प्रति इकाई क्षेत्रफल से यानी कि ए प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाली धारा, धारा ऊपर नीचे क्षेत्रफल, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो तो आई बटा ए जो दिया गया ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर। देखो यहाँ पर एक दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था, क्या था, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र एक कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग भिड़ी के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। ये भी दो नंबर के लिए कवर किए थे, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं इसीलिए दो नंबर में नहीं किया गया। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में यार देखने को मिले, इसीलिए कहता हूँ रेगुलर क्लास के रेडियो स्टूडेंट आप लोग यार क्यों रटते हो अदर जगह जाकर के, ठीक है ना। आप लोगों तो मैं दोस्तों सूत्र बात लाता हूँ, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र एक कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग भिड़ी के अनुपात को दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं, और धारा घनत्व की बात करेगा प्रति इकाई क्षेत्रफल से दोस्तों प्रवाहित होने वाले धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहेंगे। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से देखोगे तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध किया बात किया है। देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों एग्जाम तक कराते रहेंगे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का दोस्तों जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है डी स्टूडेंट, आदर्श ए मीटर का पहुँचता है तो शून्य हो जाता है डी स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, चलिए बहुत अच्छा। यानी कि देखोगे अनंत दिया गया ए नंबर ऑप्शन में तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों आप लोग को याद रखना किसी भी दोस्तों आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होगा आदर्श लग गया तो याद रखना अनंत होगा, सिर्फ और सिर्फ वोल्ट मीटर पूछेगा तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, ऐसा याद रखना। चलो देखो बेट अस्ट्रोन बेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखो वेस्ट अस्ट्रोन दोस्तों जो बेज होता है सेतु, इसका दोस्तों जो युद्ध करते हैं प्रतिरोधक के रूप में कहते हैं, रिएक्टेंस के रूप में कहते हैं दोस्तों बेट अस्ट्रोन बेज का उपयोग, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए व्यवहार, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना डी स्टूडेंट, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे। देखो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं चलकत्व का मात्रक बतला दो डियर स्टूडेंट, चलकत्व का मात्रक बतला दो, तो आप लोग तो जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, चलकत्व का भी मुझे पता नहीं है, बतलाइए। देखो चलकत्व पूछेगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चलकत्व कहते हैं, तो यहाँ से ओम इनवर्स निकलेगा, क्या निकलेगा ओम इनवर्स, या तो ओ एच ओ एम जो होता है इसको उलट देंगे तो एम एच ओ हो जाएगा, ठीक है ना। म्यो होता है दोस्तों चलकत्व का मात्रक होता है, या ओम इनवर्स कह सकते हैं। जो अपन से क्वेश्चन किया गया प्रतिरोध का किया गया तो ओम हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाएं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखो किसी धातु का दोस्तों गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका दोस्तों प्रतिरोध इंक्रीज करेगा। ये दोस्तों आप लोग सहमत है या असहमत वो आप लोग कमेंट कीजिए। किसी धातु को दोस्तों गर्म करेंगे तो उसका दोस्तों जो रिएक्टेंस होगा दोस्तों रिएक्टेंस दोस्तों क्या हो जाएंगे उस स्थिति में दोस्तों, जब हीटिंग करेंगे जब दोस्तों प्रतिरोध को, तो याद रखना इस स्थिति में दोस्तों इंक्रीज कर जाता है दोस्तों उनका प्रतिरोध, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका दोस्तों जो रिएक्टेंस होगा स्टूडेंट इंक्रीज कर जाएंगे। जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगा रहे उनका बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो को जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों आयो दरबार में तो घंटी दबा करके जाना, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए देखो डी स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों को जो क्वेश्चन किया गया सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का दोस्तों जो ईएमएफ होता है ईएमएफ, ठीक है डी स्टूडेंट, ईएमएफ जो होता है वो दोस्तों विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। ये अपन से जो क्वेश्चन किया गया था 2022 में विभव मापी के उपयोगों का वर्णन करें, इसमें यार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मापा जाता है
भी मापी से मापा जाता है, ठीक है रेस्टोरेंट। चलिए चलिए प्रतिरोध की दोस्तों बीमा की बात क्या है, प्रतिरोध का बीमा दोस्तों क्या हो देंगे, द इज द डायमेंशन ऑफ रिएक्टेंस रिएक्शन। चलिए प्रतिरोध का दोस्तों जो बीमा होते हैं, चलिए बहुत अच्छा रिएक्शन आप लोग बहुत कान मचा दें। चलिए ए मेल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू आई के पावर माइनस टू होता है रिएक्शन, ये आप लोग का प्रतिरोध का बीमा हो जाएंगे। देखो रिएक्शन आप लोगों से क्वेश्चन किया गया विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए रिएक्शन इसका जो मात्रक को देंगे वो क्या हो जाएंगे, एम्पियर हो जाएंगे दोस्तों के कूलम हो जाएंगे कि दोस्तों फैराडे हो जाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए रिएक्शन। चलिए चलिए बहुत अच्छा रिएक्शन, जो भी विद्यार्थी इसका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर लगाए हैं बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर रिएक्शन, ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए रिएक्शन ये आप लोग का चैप्टर है विद्युत धारा, तो इसका आप लोग अगर नहीं पता रहेगा यूनिट यार तो बहुत गड़बड़ बात है, ठीक है रेस्टोरेंट। जो विद्यार्थी को नहीं पता था यार वो अपने पढ़ाई से लापरवाही पर रहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका ए नंबर हो जाएंगे रेस्टोरेंट एम्पियर, इसका मात्रक होता है विद्युत धारा का। देखो किलो वाट जो यूनिट होता है दोस्तों किसका होता है रेस्टोरेंट, आप लोग कमेंट करते जाओ इसका जो मात्रक होता है रेस्टोरेंट वो क्या होते हैं। ये दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है किलो वाट घंटा, जो इसका जो मान होता है एक किलो वाट घंटा बराबर। चलिए बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल 10.6 गुना 10.6 जूल होता है रेस्टोरेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए चलिए यह सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। देखो एक किलो वाट घंटा दोस्तों कितना होता है 10.6 गुना 10.6 जूल। अब यहाँ से आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए देखो यहाँ से अब आप लोग इसमें कोई कंजूसी नहीं करना यार आंसर देने में। चलिए बिल्कुल 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 एक किलो वाट घंटा जो होता है, एक किलो वाट घंटा जो होता है स्टूडेंट 10.6 गुना 10.6 जूल होता है स्टूडेंट, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसका सी नंबर लगाएं उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखो प्रतिरोधकता ताप गुणांक एक होता है दोस्तों प्रतिरोधकता जिसका मात्रक ओम मीटर होता है, एक ताप गुणांक होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक एक होता है जिसका जो मात्रक होता है के इनवर्स होता है, या तो आप लोग लिख सकते हो 1/k होता है इसका मात्रक, ठीक है ना डी स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों के इनवर्स हो जाएंगे। चलिए प्रतिरोधकता का दोस्तों जो मात्रक होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का वो के इनवर्स होता है, जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए रिएक्शन तापकरण बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध बढ़ता है घटता, सॉरी यहाँ पर तापकरण बढ़ाएंगे दोस्तों, जब तापकरण में इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोध घटता है, तो दोस्तों आप लोग का दोस्तों जो पदार्थ होगा वो कैसा पदार्थ होगा, जाहिर सी बात अर्धचालक होगा दोस्तों, सेमी कंडक्टर होगा, जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर रिएक्शन। चलिए चलिए इफ द रिएक्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है, या दोस्तों गुण जो पाया जाता है सेमी कंडक्टर अर्थात अर्धचालक में पाया जाता है। देखो मोबिलिटी जो होता है दोस्तों द एस आई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ठीक है ना रेस्टोरेंट, मोबिलिटी का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर बटाओ दोस्तों न्यूटन होता है न्यूटन। चलो बहुत अच्छा एम्पियर मीटर बटा न्यूटन, देखोगे जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाएं। चलिए बहुत काल मचा दें, चलिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, चलिए ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, जो मोबिलिटी का जो मात्रक होता है स्टूडेंट एम्पियर मीटर बटा न्यूटन होता है, जो विद्यार्थी लगा रहे हैं ए नंबर ऑप्शन उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक एम्पियर जो होता है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखो बतलाते हैं ये दोस्तों जो क्वेश्चन है 2021 में यार एनुअल एग्जाम पूछा, 7 में 2022 में जो सेंटअप एग्जाम होता है दोस्तों उसमें यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में सेंटअप एग्जाम या ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 2021 में पूछा और 2022 में दोस्तों दो नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए, तो आप लोग को याद रखना है। चले बहुत अच्छा, देखो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला दोस्तों आवेश दोस्तों कूलम, प्रति सेकंड जो आवेश का एक कूलम जो प्रवाहित होता है उसी के अनुपात को दोस्तों एक एम्पियर कहते हैं, अर्थात एक कूलम प्रति एक सेकंड जो होगा दोस्तों इसी के तुल होगा, इसी को दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो देख लीजिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है रेस्टोरेंट। चलिए एक एम्पियर जो होगा एक कूलम प्रति एक सेकंड होगा, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही है। देखो रेस्टोरेंट आप लोग जो विद्यार्थी क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो, ठीक है रेस्टोरेंट, ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद है
तो मेरा दोस्तों गारंटी है आप लोग को 35 ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये मेरा दोस्तों बात है ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ सब कोचर सेलेक्ट किया हुआ कोच ने बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो एक बोल्ट जो गाड़ी स्टूडेंट जो दोनों मीडियम के छात्र देख सकते हैं, एक बोल्ट जो था वन बोल्ट जो था इक्वल क्या होता है, वन बोल्ट जो इक्वल होता है स्टूडेंट क्या होता है यार, कितने बार ये सूत्र आप लोग को बतला चुके हैं स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग बतला दो। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, झूल पाते गुलाम हो जाएंगे स्टूडेंट, क्या झूल पाते गुलाम हो जाएंगे, तो यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे झूल पाते गुलाम। चलिए देखो यहाँ पर देखोगे तो कहा जा रहा है दोस्तों कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो मापा जाता है दोस्तों वो किसमें मापा जाता है, कहा जा रहा है दोस्तों द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन मेजरमेंट, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट के रूप में मापा जाता है दोस्तों, कौन कौन यार सहमत है, कुछ विद्यार्थी को यार ना पता चले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका मतलब ए का मतलब एम्पियर हुआ, देखो ए का मतलब एम्पियर हुआ, बी का मतलब वोल्ट हुआ, टी से टेस्ला और वाट हुआ, तो आप लोग को याद रखना वोल्ट से मापा जाता है कि एक विद्युत परिपथ में दोस्तों विभवांतर तो मापा जाता है वोल्ट के रूप में मापा जाता है, जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है, जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, या तो आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट लाइव चैट में आप लोग को फ्लैश हो रहा है दोस्तों टेलीग्राम का लिंक वहाँ से आप लोग देख सकते हो, चलिए ज्वाइन कर लेना। चलिए एक वाट जो तो दोस्तों क्या होता है, देखो एक वाट, एक वाट भी आप लोग को लगता है इस बार आया हुआ है दोस्तों, देख लेना यार आपके पास क्वेश्चन रहेंगे तो ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, एक वाट जो होता है दोस्तों एक जूल प्रति कूलम होते हैं या दोस्तों क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए, चलिए इसका आप लोग को कमेंट करने दीजिए स्टूडेंट। चलिए देखो ये बी वाई डब्ल्यू वाई क्यू से वहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या ना बार का ऐसे मात्र क्या होते हैं जूल होते, तो जूल प्रति कूलम तो यहाँ पर आवेश के ही दोस्तों किसका हो जाएगा, तो ये आप लोग का वाट के वोल्ट का हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकंड भी नहीं तो कह सकते हैं ना। चलिए एम्पियर प्रति मीटर, देखो इसका आप लोग कमेंट करके बात लाइए स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से दो एक नहीं हो सकते स्टूडेंट ठीक है ना। चलो जूल प्रति कूलम और यहाँ पर भी आप लोग को जूल प्रति कूलम देगा, तो एक वाट जो होगा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिए, चलिए ठीक है स्टूडेंट इसका आप लोग कमेंट करके बात ला सकते हो स्टूडेंट, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन का दोस्तों इसमें इनमें से डी होगा ठीक है स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं, चलो आप लोग की यार मर्जी। चलिए यहाँ पर देखोगे चलो दोस्तों चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अपसरित होती है, कुछ विद्यार्थी यार त्वरित को ढूंढेंगे त्वरित ठीक है दोस्तों, त्वरित भी सही है लेकिन ये गलत है, यह मानदित के रूप में नहीं होता दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है अपसरित होती है स्टूडेंट, यहाँ से देखोगे तो आप लोग देखोगे तो आप लोग देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे जो, चलिए बहुत अच्छा अपसरित होती है। यहाँ पर ध्यान दोगे तो कार्बन प्रतिरोध में दोस्तों मान जो चिन्हित किया जाता है कलर कोड से चिन्हित किया जाता है, दो दोस्तों जो कार्बन प्रतिरोध था इसमें दोस्तों मान को जो चिन्हन किया जाता है जो चिन्हित किया जाता है कलर कोड से किया जाता है स्टूडेंट, जो कि आप लोग देख पा रहे हो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, जो विद्यार्थी ए नंबर लगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए धारा घनत्व का दोस्तों जो मात्रक होता है क्या होते हैं, धारा घनत्व का मात्रक तो मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ स्टूडेंट, जो विद्यार्थी यार गलत करें बिल्कुल गलत करें ठीक है स्टूडेंट, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर देखोगे बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। चलिए किरचॉफ का दोस्तों जो प्रथम लॉ होता है दोस्तों यहाँ से आप लोग को क्लियर करना है, जो प्रथम लॉ जो होता है आवेश संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण कमेंट कीजिए, देखो बहुत अच्छा आवेश संरक्षण सिद्धांत से ताल्लुक रहता है, दूसरा नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, चलिए क्लियर करते चलना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। चलिए प्रथम दोस्तों आवेश, दूसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्लियर कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दोस्तों प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग बी के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं, तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन आप लोग को बोले थे कि पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में ठीक है ना, तो यही सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई विद्यार्थी गलत नहीं कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता हो जाएगी ए नंबर आप लोग का बिल्कुल कई करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए देखो इलेक्ट्रॉनों के जो गतिशीलता का दोस्तों जो मात्रक होता है वो क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनों के जो गतिशीलता का दोस्तों जो मात्रक होता है दोस्तों आप लोग को याद रखना न्यूटन इनवर्स दोस्तों मीटर सेकंड और यहाँ से दोस्तों कूलम और यहाँ से सेकंड इनवर्स हो जाएंगे, जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए देखो धारा घनत्व के बीमा की बात क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए धारा घनत्व के बीमा का दोस्तों जो होता है वो क्या होता है,
एल के पावर माइनस टू आर दोस्तों आई जो होता है दोस्तों धारा घनत्व का बीमा होता है। धारा घनत्व जो होता है स्टूडेंट एक प्रकार का अदिश राशि है, ठीक है स्टूडेंट, क्या है अदिश राशि। देखो विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच दोस्तों जो सही संबंध होता है वो क्या होता है। देखो धारा और दोस्तों अनुगमन वेग जो होता है इसके बीच जो सही रिलेशन होता है स्टूडेंट एनी ए वी डी का होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर आप लोग का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। देखो धारा घनत्व एवं दोस्तों हाँ देखो यहाँ से दो नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से धारा घनत्व एक विद्युत धारा है, ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए एनी वी डी होता है और इसके लिए दोस्तों क्या होता है। चलिए साठ नंबर के लिए दोस्तों देखोगे तो आप लोग का ए हाँ चलिए आप लोग का एन ए वीडियो देंगे दोस्तों किसके लिए, तो धारा घनत्व और दोस्तों अनुगमन वेग के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट वीडियो पसंद तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट, और ये वीडियो पाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को गूगल पर आकर के सर्च करना स्टूडेंट education lecture.com, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोग को सर्च करना education lecture.com और क्लास आप लोग का चलता है शाम को 7 बजे और 8 बजे। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।